मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डर के भाग जाने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। दर्शकों, स्वागत आप सभी का बिजनेस टॉक में। ये सफर है जीरो से हीरो तक का, और आज इस सफर पर हम आपको मिलवाने वाले हैं स्वप्नपूर्ति बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के श्री संदीप गवई से। तो आइए मिलते हैं संदीप जी से। संदीप गवई, स्वप्नपूर्ति बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के संस्थापक, आज नागपुर के सफल उद्योजकों में से एक। परंतु बाल्यावस्था में ही एक के बाद एक माता, बड़ी बहन और पिता को खो देने के बावजूद भी अपने भाइयों को अच्छी शिक्षा दी और खुद भी पढ़ाई की। रात को रिक्शा चलाकर दिन में उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूर्ण किया। शुरुआती दौर में केबल का बिजनेस शुरू करके 3 सालों में कुछ पैसे जमा कर अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया 1997 में, और 1997 में ही उन्होंने स्वप्नपूर्ति की नींव रखी। मेहनत, लगन और ईमानदारी से उन्होंने अब तक 50 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। संदीप गवई, इन्होंने कई सामाजिक कार्यों में योगदान दिया है। समाज में ऐसे कई युवक युवतियाँ हैं जिन्हें वे मार्गदर्शन करते हैं, और आगे भी वो मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो ऐसे ही हैं संदीप गवई जी। दर्शकों, आइए मिलते हैं संदीप जी से। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, आप बिजनेस टॉक में आए। संदीप सर, आज आपके स्वप्नपूर्ति ग्रुप ने करीबन 50 प्रोजेक्ट कर चुके हैं। आप आज नागपुर के मिलियनियर टाइकून्स में गिने जाते हैं, जो रियल एस्टेट में अपना अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं। पर आपके बचपन के बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा। सर, मुझे कुछ बचपन के बारे में बताइए। आप रामबाग में शायद रहते थे, उस दौर के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो आवाज इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा सर्वप्रेम जय भीम। और जैसा कि विप्लव जी आपने पूछा, एक काफ़ी साधारण से दो वक्त का गुजारा हो सकता ऐसा एक परिवार में मेरा जन्म हुआ रामबाग में। और पैसा नहीं था, लेकिन खुशी बहुत थी। तो ऐसे घर में पिताजी पुलिस कांस्टेबल थे, और अच्छा हंसता खासा परिवार था। बड़ी बहन थी, दो छोटे भाई थे, माँ थी, और अच्छा परिवार में मेरा एक जीवन व्यतीत हो रहा था। अचानक किसी की नज़र लग गई, ऐसा हुआ, और 89 में मेरे मम्मी का स्वर्गवास हुआ। और तब से हमारे घर में जो दुख का वातावरण हुआ, तो मानो किसी की नज़र लग गई। फिर वही अगले साल मेरी बड़ी बहन थी जो हमारा देखभाल करती थी, वो भी इमामवाड़ा से एक बार बर्थडे से शॉपिंग करते घर आ रही थी, तो टैंकर के नीचे आकर टैंकर ने उसे पिटना और उसका भी देहांत हुआ। ऐसी 2 साल में 2 दुखद घटनाएं मेरे पिताजी सहन नहीं कर पाए, और उनको चिंता थी कि अभी 3 बच्चों का कैसा गुजारा होगा, मैं क्या करूं, इसी में वो चिंतित रहते थे। और 3rd साल इसी सोच में डूबे रह के उनको हार्ट अटैक आया, और 3rd साल वो भी गुजर गए। और ऐसी 3 साल में 3 बड़ी जान हमारे घर में गई, और मैं बड़ा लड़का तो मेरे को 2 छोटे भाइयों की जिम्मेदारी देखना था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि एक 16 साल की उम्र में मैंने कभी काम नहीं किया, सिर्फ पढ़ना मेरा काम था, और ऐसे वक्त मेरे को अभी घर चलाना और मेरे भाइयों का जीवन संभालना। मेरा छोटा भाई तो सिर्फ 4 साल का था, और उस समय पे मैं पूरी तरह से टूट चुका था, और मुझे पूरा जीवन मेरा अंधकार में दिख रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, और मैं टूट चुका था। आप सिर्फ 14 साल के थे शायद, और माता पिता नहीं थे, आपकी बड़ी बहन नहीं थी, आपके मन में क्या चल रहा था? घर में तो पूरे तरह से मातम था, और मैं उस मातम में जब मेरे भाइयों को लेकर चल रहा था, तो मैं छोटा होने के कारण और मैंने कोई भी काम नहीं कभी किया था, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं घर से बाहर निकलता था, मेरे छोटे भाई घर में राह देखते थे कि भाई कुछ खाना लाएगा, कुछ लाएगा, कुछ पैसे लाएगा और हम खाना खाएंगे। ऐसे 4 दिन बीत गए। 4 दिन बीतने के बाद मुझे महसूस हुआ कि अरे, ये मेरी जिम्मेदारी है, और अभी मैंने भाइयों का करना चाहिए, और अगर अब मैं कुछ नहीं किया तो छोटा भाई तो मुझे भी छोड़ के चले जाएगा। घर में अन्न का एक दाना नहीं था, और पिताजी के पैसे मिलने को काफ़ी समय था,
तो इस वक्त फिर मुझे बहुत दुख महसूस हुआ और कुछ भी मेरे दिमाग में पूरे विचारों का तांडव चल रहा था। और मैंने फिर ऐसी वक्त एक निर्णय लिया कि नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता और अभी मेरे माँ बाप जहाँ गए तो हम तीनों भाइयों को भी वहाँ जाना चाहिए। और मेरे मन में उस रात को आत्महत्या करने की एक भावना जागी, मैं रोया बहुत। और उस दिन फिर मैंने भाइयों को मेरा रोना सुन के वो जागे और उनको भी बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बड़ा होके भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अपन ने खाना कैसे लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो अपन आत्महत्या करते। और भाई देखो, मेरे को इतना मानते कि मेरे एक कहने पे उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि भाई आपको मरना है तो आप मरो, लेकिन हम जिएंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन इतना मुझे वो प्यार करते थे और मेरे पे विश्वास रखते थे, तो मैंने उस दिन शपथ लिया कि नहीं, अभी मैं भी नहीं मरूंगा, मेरे भाइयों को भी नहीं मरने दिया। और उस दिन मैंने एक प्रतिज्ञा की कि मैं गरीबी में पैदा हुआ लेकिन गरीबी में मरूंगा नहीं, मैं मेहनत करूंगा। फिर मुझे विचार आया कि मैंने क्या करना चाहिए। नीचे घर में रामबाग में एक रिक्शे वाला रहता था, उसको बोला मेरे को 10 रुपये मैं दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं, मुझे रिक्शा दे दे। मैं चक्करलस में उसका रिक्शा चलाता था, लड़कों को लेकर आप रिक्शा चलाते थे और दिन में पढ़ाई करते। हाँ, तो मुझे पढ़ाई नहीं छोड़ी पर। हाँ, मुझे शर्म आती थी कि मैं अच्छे घर का लड़का और ऐसी परिस्थिति के कारण मैं कैसा करूँ। तो मैं रात को लोग सोते थे तब मैं रिक्शा चलाता था और दिन में पढ़ाई करता था। ज़्यादा दिन रिक्शा नहीं चलाया मैंने, क्योंकि वो मेरा ये नहीं था। लेकिन घर में कुछ तो भी अनाज का दाना है, इसलिए मैंने वो एक दो महीना काम किया। उसके बाद जो अच्छे लोग हैं उनके घर जाता था, उनसे मिलता था कि आपने कैसी ये संपन्नता हासिल की, आप कैसा काम करते, उनका अभ्यास करता था। और बाबा साहब का मार्ग था, भगवान गौतम बुद्ध का मार्ग था, तो उस पर चलता था, तो रास्ते खुलते गए। सर, बहुत विकट परिस्थितियाँ थीं आप अपने दोनों छोटे भाइयों के लिए माता भी बने और पिता भी बने। आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी और शायद आप 18 साल के हो चुके थे और आप शायद केबल का बिजनेस शुरू करने वाले थे। जानेंगे सर आपसे बहुत जल्दी ही, दर्शकों कहीं जाइएगा मत। संदीप जी से बातचीत अभी भी जारी है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्मॉल ड्रीम्स इज अ बिग ड्रीम, ये मुझे पता था और छोटा सपना मैं देखता नहीं था। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं संदीप जी से। संदीप जी, आप 18 साल के हो चुके थे, अपने भाइयों का आप अच्छा ख्याल रख रहे थे, पर आपने अपना पहला बिजनेस आप शुरू ही करने वाले थे, उस बारे में मुझे कुछ बताइए। तो काफी छोटे मोटे काम करने के बाद सोचा कि खुद का कुछ तो भी होना चाहिए और दो भाइयों की जिम्मेदारी भी थी मुझ पर। तो मैंने सबसे पहले मेरे पिताजी की जो अनुकंपा की नौकरी थी, जो बड़ा होने के नाते मुझे मिलने वाली थी, तो मेरा दायित्व करके मैंने मेरे छोटे भाइयों को वो क्लेम दिया ताकि वो सेटल हो जाए और मैं फिर अलग से कुछ करूँगा। तो उसको वहाँ पे नौकरी लग गई पिताजी के जगह, और मुझे कुछ तो भी करने की चाह थी, तो मैंने फिर वो केबल का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। तो पंतप्रधान रोजगार योजना के अंतर्गत मैंने 1 लाख का लोन लेकर वो 8 चैनल का खुद का सेटअप स्टार्ट किया, केबल बिजनेस का। और रामबाग जैसे एरिया में मेरी पॉपुलरिटी के कारण काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी लोगों ने मेरे कनेक्शंस लिए और एक अच्छा व्यवसाय मेरा चालू हुआ। सर, 1997 में आपने स्वप्नपूर्ति की नींव रखी, आप रियल एस्टेट बिजनेस में आ रहे थे, तो उसके पीछे की आपकी पार्श्वभूमि क्या थी, रियल एस्टेट ही आपने क्यों चुना? धीरे धीरे केबल का व्यवसाय अच्छा जमने के बाद स्मॉल ड्रीम्स इज अ बिग ड्रीम, ये मुझे पता था और छोटा सपना मैं देखता नहीं था। तो मैंने भी बड़े बड़े सपने देखना चालू किया, उसको हकीकत में डालने के लिए मैंने स्वप्नपूर्ति की नींव रखी, क्योंकि उस समय में रियल एस्टेट का बिजनेस काफ़ी अच्छा था, नागपुर में काफ़ी पोटेंशियल था। और उस वक्त मैंने 2 लाख रुपए की मेरी एक जमा पूंजी के तहत बेलतरोड़ी में, जो नागपुर का वर्धा रोड पे बढ़ने वाला इलाका था, वहाँ पे एक 10 एकड़ की जगह 1,05,000 रुपये एकड़ के हिसाब से खरीदी और उसको 2 लाख रुपये बयाना देकर उस जमीन का सौदा किया और वहाँ से मेरी स्वप्नपूर्ति चालू हो गई। और लोगों ने वाकई में मेरी मेहनत को सराहा और मेरे साथ वो 200-300 प्लॉट का लेआउट 2 महीने में ख़त्म हो गया। बहुत बहुत उम्दा था, मतलब सर लोग आपको हेल्प भी कर रहे थे और स्वप्नपूर्ति। तो अभी कितने प्रोजेक्ट हो चुके हैं? कहीं अभी करीब 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो गए सक्सेसफुली और
मुझे बताते हुए गर्व होता है कि नागपुर के 5 बड़े बिल्डरों में, डेवलपर्स में मेरा नाम आता है और काफ़ी लोगों ने आज 8 से 10 हज़ार लोगों ने मुझे अपना क्लाइंट ब्लेस देकर आशीर्वाद देकर नवाजा इस नागपुर शहर में। बहुत बढ़िया। मैं आशीष राउत, मैं संदीप भैया को कम से कम 15 साल से जान रहा हूँ। बचपन में मेरे पिताजी की डेथ होने के बाद उन्होंने मेरे को संभाला। आज सगा भाई भी नहीं कर सकता, उन्होंने उत्ता मेरे लिए किया। मेरे लिए उन्होंने लक्ष्मी नगर जैसे एरिया में रेस्टोरेंट डाल के दिया और मेरे को अच्छा काबिल बिजनेसमैन बना दिया। आज मेरा बिजनेस अच्छे से अच्छा चल रहा और मेरा घर भी उन्होंने बना दिया। ऐसी सैकड़ों झन हजारों झन है जिनको उन्होंने अच्छे अच्छे जगह पे बिजनेस डाल के दिए और बहुत बड़े बड़े काम दिला दिए। मेरा नाम श्रीहरी वसंतराव सायगड़कर है, मैं विश्वकर्मा नगर में रहता हूँ। संदीप रमेश गवई ये मेरा बचपन का दोस्त है, हम पंडित बच्चराज व्यास विद्यालय में बचपन से पढ़ चुके हैं। हम पहले से ही एक बेंच के पीछे आगे पीछे बैठते थे। ये पहले से होशियार होने के कारण, लेकिन इसकी आर्थिक परिस्थिति नहीं थी। ये रामबाग जैसी एरिया में छोटू से ऊपर के क्वार्टर में रहता था, मैं विश्वकर्मा, लेकिन साथ में हम खेलते भी थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता वैसे जैसे आदमी बिखर जाता है। उसने खुद के मेहनत से अपने पहले केबल के धंधे से लेके तो कपड़े के धंधे तक लेके बहुत से उसने अपने खुद के बदालत किए। आज वो लेआउट से लेके तो कारपेंटर तक खुद के भरोसे किया, आर्थिक परिस्थिति नहीं होने के कारण भी। और साथ साथ उसकी मम्मी सिस्टर पिताजी की भी डेथ हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला और बड़ी लगन चिकाटी से और किसी को दो पैसे ना लेते हुए, किसी के कर्ज ऋणी ना होते हुए खुद आज बहुत बड़ा इंसान बना। इसके लिए मुझे बहुत गर्व है और हमेशा के लिए गर्व रहेगा। और मेरी आगे के लिए मन कामना है कि ये बहुत सफल बने और साथ साथ राजकारण से लेकर हर इसमें व्यापार में सक्सेस बने और हमारे जैसे दोस्त को एक नाज रहेगा कि इतना बड़ा इंसान बना, तो और क्या खुशी की बात रहेंगी। इतना बोल के मैं अपना, मेरा नाम सुनील जवादे है, मैं स्वप्नपूर्ति ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। संदीप भाव ने मेरे को काफ़ी हद तक की मदद की, जिनके माध्यम से मैं लेआउट के व्यवसाय में है। इसके पहले मैं चहा उत्पादन का व्यवसाय करता था, कॉटन मार्केट में सब्जी भाजी का भी दुकान चलाता हूँ, अभी कमीशन बेसिक पे हूँ। लेकिन भाव ने जो मदद की, उस मदद के माध्यम से मैं शादी तथा बहुत उन्नति कर पाया हूँ और घर बना पाया हूँ और घर में काफ़ी मदद कर पाया हूँ। और भाव ने ऐसे बहुत से लोगों को मदद की है और बहुत लोगों को बनाया है भाव ने। सर, स्वप्नपूर्ति ग्रुप ने रियल एस्टेट के अलावा और भी कई प्रोजेक्ट्स किए, उनके बारे में मुझे कुछ बताइए। स्वप्नपूर्ति ग्रुप एक डेवलपर्स और बिल्डर्स में काफ़ी अच्छा नाम कर चुका था। फिर मेरी स्वप्नपूर्ति होने के साथ साथ काफ़ी मेरे जैसे युवाओं की भी स्वप्नपूर्ति हो, इसलिए मैं इस ग्रुप को फैलाने की इच्छा रखी, मंशा की। और फिर उसके बाद मैंने रिसोर्स और होटल्स इंडस्ट्रीज में हाथ डाला। फिर मैंने पेंच में रिसोर्ट डाला, हमारे रामा डैम के पास रिसोर्ट डाला। आपने भी किया ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट? हाँ, एग्जैक्टली। और अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो उसके साथ साथ मैंने बिजनेस मैनेजमेंट के साथ साथ अपना स्वप्नपूर्ति चैरिटेबल ट्रस्ट, स्वप्नपूर्ति इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स और फिर स्वप्नपूर्ति के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऐसी कई बिजनेस में जिसमें लोगों का रोज़गार बढ़े और लोग एम्प्लॉयमेंट मिले, तो उस हिसाब से मैंने उनको जोड़ना चालू किया। जैसे कि अपने यहाँ के युवा भटक चुके हैं, उनको लगता है कि गरीब परिस्थिति के कारण हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते और वो फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में थे, तो मेडिकल चौक जैसे एरिया में जहाँ पर चाय की टपरी पे नुक्कड़ पे बैठे हुए लड़कों को मैंने इकट्ठा किया कि चलो मेरे साथ काम करो, मैं आपको रोज़गार दूंगा, मेरे साथ काम करो, और कंधे से कंधा मिलाकर उनको रोज़गार दिया। आज सैकड़ों लड़कों को, युवाओं को मैंने रोज़गार के माध्यम से उनको सशक्त बनाया, उनको भी एक व्यापारी लाइफ में लाया और उनकी आज बहुत अच्छी कंडीशन है। लोगों ने शादियाँ की, लोगों ने अपने खुद के घर बनाए और खुद के व्यवसाय भी। यामाहा का शोरूम भी आपने डाला है शायद? हाँ। एक और रेस्टोरेंट भी आपने दीक्षा भूमि के आसपास खोला है शायद? एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स का भी कंसेप्ट है हमारे साथ, तो अभी वो भी एक
चालू है, उसका भी रिसोर्स की चेन हमारी एक चालू है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में हम लोग अभी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जरूर जरूर सर, स्वप्नपूर्ति ग्रुप के फ्यूचर प्लान जानेंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों कहीं जाइएगा मत, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कलाकारों को मैं यहाँ पर इस प्रोडक्शन हाउस के थ्रू चांस। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत बिजनेस टॉक में। हम बात कर रहे हैं स्वप्नपूर्ति ग्रुप के ओनर मिस्टर संदीप गवई से। सर, जैसे ब्रेक पे जाने के पहले आपने हमें बताया था कि आपका स्वप्नपूर्ति ग्रुप अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से भी आ रहा है, उस बारे में हमें भी बताइए। अभी नागपुर और विदर्भ में तो काफ़ी अच्छा नाम कमाया स्वप्नपूर्ति ने, ये नाम ग्लोबली अभी थ्रू आउट वर्ल्ड में फैलना चाहिए, इसलिए मैंने अभी स्वप्नपूर्ति ग्लोबल एम्पायर करके एक कंपनी का निर्माण किया और उसके अंतर्गत इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम मैंने चालू किया हूँ और आने वाले समय में दुबई में, श्रीलंका में, जापान, चाइना में इसके ऑफिसेस में डालने का प्लान किया हूँ और उस हिसाब से इसको ग्लोबली फैला के काफ़ी देशों तक स्वप्नपूर्ति पहुँचे और स्वप्नपूर्ति काफ़ी देशों तक पहुँचे, ये मेरा प्रयास है। नागपुर में भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हब बन रहा है, शायद उसी लिए आपने सोचा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब रियल इस्टेट मार्केट में जुड़ा हूँ तो मुझे मालूम है कि आने वाला समय नागपुर के लिए 430 प्लेन थ्रू आउट वर्ल्ड नागपुर में रोज आएंगी और काफ़ी अच्छा आवागमन होगा और बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसलिए यही अच्छा मौका है कि अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपन ने कदम रखना चाहिए। आने वाला समय हमारा है, नागपुर वालों को काफ़ी इसका फायदा होने वाला है, तो अभी से हमने स्वप्नपूर्ति में इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नींव रख रही है। सर, आप प्रोडक्शन हाउस भी डाल रहे हैं, मैंने सुना है मार्केट में बात की स्वप्नपूर्ति ग्रुप खुद का प्रोडक्शन हाउस डाल रहा है, इस बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल, जैसा कि नागपुर का डेवलपमेंट हो रहा है तो नागपुर में एक बहुत बड़ा लैकुना है कि यहाँ पे कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है या फिर किसी भी प्रकार की फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो बहुत बड़े युवाओं को बड़े पैमाने पर मैं मुंबई दिल्ली तक फिल्म स्क्रीन पर पहुँचाऊँ, तो यहाँ पर हम एक अभी प्रोडक्शन हाउस का निर्माण कर रहे हैं। मेरे छोटे भाई को एज अ एक्टर मैंने लॉन्च किया है, दो मूवीज़ उसकी आ रही है और आने वाले समय में काफ़ी नागपुर के कलाकारों को मैं यहाँ पर इस प्रोडक्शन हाउस के थ्रू चांस दूंगा, क्योंकि मेरा एक बिजनेस के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा नागपुर में बड़े बड़े शोज, बड़े बड़े स्टार लाने का कार्य स्वप्नपूर्ति ने किया हुआ है। हेलो, माय नेम इज़ हरीश गवई, मैं नागपुर का ही रहने वाला हूँ और बहुत फख्र की बात है कि मैं संदीप गवई का छोटा भाई हूँ। 4 साल के थे हम तब हमारे माता पिता गुजर गए और 4 साल के बाद जिनकी शक्ल देखी वो माता पिता हमारे संदीप भैया ही थे, माता भी वही थे और पिता भी वही थे, उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया और आज इस मुकाम तक पहुंचाया। मेरे बारे में कुछ बताना चाहूँगा, मैं भैया संदीप भैया के साथ ही काम करता हूँ, उनकी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और अभी उन्होंने मुझे प्रेरणा दी पिछले साल और उनके आशीर्वाद से आज मैं 2 मूवी कर चुका हूँ, मराठी मूवी की है, किसमें निगेटिव है किसमें पॉजिटिव है, थिएटर्स करता हूँ, ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है और आज जो कुछ भी हूँ वो उनके भरोसे ही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि जैसे भैया मुझे मिले वैसे ही सारे भाई को, इस दुनिया के सारे भाइयों को ऐसे ही भाई मिले, बस यही चाहूँगा। आज मैं जो कुछ भी हो मेरे भैया के भरोसे, थैंक यू वेरी मच। स्वप्नपूर्ति चैरिटेबल ट्रस्ट पे भी आप काम करते हैं, उससे भी जुड़े हुए हैं आपके शायद? हाँ, देखिए अभी मैं आपको जैसा मेरा बैकग्राउंड बताया कि एक गरीब परिस्थिति से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मुझे काफ़ी अड़चने आई और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई हाथ मेरे पीछे स्ट्रांग तरीके से आया नहीं, तो मुझे ये स्ट्रगल करते करते आज 18 साल हुए और 18 साल में मैंने ये मकाम हासिल किया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे जितने भी युवा हैं इस नागपुर में और नागपुर के आसपास, तो उनको मैं मिलकर उनको प्रोत्साहित करूं और उनको मोटिवेट करके, हाँ उनको मोटिवेट करके जो मैंने 18 साल में हासिल किया वो 18 महीने में कर सकते, तो उनके पीछे एक बैकबोन के बन के रहूँ, तो इसलिए मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण किया, उसके माध्यम से युवाओं को रोजगार देना, युवाओं को, विद्यार्थियों को किताबें देना, गरीब विद्यार्थियों को
फीस की मदद करना, ऐसा काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य हम चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू करते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर आप कई बार, जैसे हमने सुना है स्वप्नपूर्ति ग्रुप अच्छा खासा नाम कमा रहा है, आप आगे भी आ रहे हैं, आप अपने भाइयों को सेटल कर चुके हैं, पर समाज में और भी कई ऐसे भाई हैं जिन्हें ज़रूरत है कि कोई मार्गदर्शन करे, तो आप उनको कैसे बताना चाहेंगे और उन्हें कैसे मार्गदर्शन देंगे, या फिर आप उन्हें किस प्रकार मदद करना चाहेंगे? बिल्कुल, मदद तो मैं कर ही रहा हूँ, और मैं सब युवाओं को बताना चाहूँगा कि हम लोग हिम्मत से हार जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमने गरीब घर में जन्म लिया, हमारे माता पिता उतना कमाते नहीं जितने दूसरों के माँ बाप कमाते, ये बिल्कुल गलत बात है। जिसके पीछे कोई नहीं होता है, बस उसकी महत्वाकांक्षा अच्छी है, उसकी नेकी बहुत अच्छी है, और उसने सच्चाई के रास्ता पे चलने का अगर एक बार ठान लिया तो हर चीज़ उसके कदमों में होगी, प्रगति उसके पीछे दौड़ के आएगी, ये मेरा ठाम विश्वास है। आप लोग मुझे देख सकते हो कि बिना किसी के सहयोग से मैं यहाँ तक आया, तो बाबा साहब के मार्ग पे चलने की और एक महत्वाकांक्षा और एक नेक सच्चाई मैंने अपने पास लाया, तो आप बिल्कुल निराश मत होइए। मेरा एजुकेशन कम है, या फिर मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर मेरे पीछे किसी का बड़ा हाथ नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए, बस अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़िए, सफलता तुम्हारी कदम चूमेंगी, और बिल्कुल निराश मत होइए। और कोई भी प्रकार की कोई भी सहायता चाहिए, कोई भी मार्गदर्शन चाहिए, तो मैं आपके लिए सदैव तत्पर हूँ। मैंने अपना जीवन समर्पित किया हूँ समाज के लिए, और आने वाले समय में काफ़ी समाज को सहयोग करने का मैंने प्रण लिया हुआ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिजनेस टॉक में हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, ये थे संदीप गवई जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक समाज के लिए वो व्यतीत करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। तो अगले एपिसोड में हम आपको ऐसे ही एक सितारे से मिलवाएंगे और दिखाएंगे उनका व्यवसाय। देखते रहिए बिजनेस टॉक, ये सफर है जीरो से हीरो तक का।